अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही ताज़ा खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल PRSTN News को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का PRSTN News में। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबर पर। आज राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया द्वारा अयोध्या तहसील सदर स्थित हेमू कालाणी पार्क में चलाए जा रहे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के 8वें दिन पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पंडित अशोक कुमार तिवारी जी ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार की नीतियों के चलते देश में विभाजनकारी शक्तियां सशक्त होकर राष्ट्र की एकता और अखंडता को क्षति पहुंचाने का काम कर रही है, जिसमें आरक्षण और SC ST एक्ट सबसे प्रमुख है। पत्रकारों से वार्ता के दौरान अशोक तिवारी जी ने कहा कि आज SC ST एक्ट जैसे कानून के चलते सामाजिक न्याय व्यवस्था पूर्णतया ध्वस्त हो गई है। प्राय दिन आपसी द्वेष के चलते इसका दुरुपयोग बढ़ता जा रहा है, फलस्वरूप तमाम लोग इसका शिकार होकर कारागार में पड़े हुए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, इससे समाज में सांप्रदायिकता की भावना मजबूत होगी और बंधुत्व का क्षरण होगा। एक देश एक विधान और एक संविधान की मंशा के अनुरूप SC ST एक्ट रूपी काले कानून को समाप्त करने की मांग को लेकर माननीय केंद्रीय कानून मंत्री को संबोधित ज्ञापन भी भेजा गया। इस दौरान पार्टी के किसान प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र शुक्ला, अनुशासन समिति अध्यक्ष सुनील मिश्रा, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रामानंदन त्रिपाठी, गुलशन तिवारी, ब्रजेश दुबे, राम सुमन मिश्रा, अभय मिश्रा, अजय शुक्ला, धर्मवीर सिंह, रंजीत सिंह, गोपाल सोनी, दिलशाद खान, विनय पांडे, सतीश तिवारी समेत अन्य पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया का हेमू कलानी पार्क तिकोनिया पार्क में अयोध्या में 7वां दिन धरने का दिवस है। साथियों, आप सबको मेरा नमस्कार स्वीकार हो, आप हमें अपना आशीर्वाद देकर हमें कृतार्थ करें। मैं राजेंद्र शुक्ला, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया। जो लोग किसी प्रकार का संगठन बना करके उन राजनीतिक पार्टियों का समर्थन करते हैं जो आरक्षण व SC ST एक्ट का समर्थन करते हैं, वो लोग समाज और देश के पीठ में सूरा भोंकने का काम करते हुए अपना उल्लू साधने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर, देश से आरक्षण व SC ST एक्ट समाप्त करने के लिए अयोध्या कैंट तिकोनिया पार्क में धरना प्रदर्शन कर रही है आरक्षण व SC ST समाप्त करने के लिए साथियों, आप हमारे धरने में आवें, हमारा मनोबल ऊंचा करें, तन मन धन की सहयोग दे करके सत्ताधारी पार्टी को मजबूर करें, युवा आरक्षण व SC ST एक्ट समाप्त करें। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रवाद। अभी तक हम लोग विगत 7 दिनों से 20 अक्टूबर से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन चल रहा है, प्रशासन की ओर से किसी तरह का कोई आश्वासन या शासन की तरफ से नहीं प्राप्त हुआ है। हम लोग यहाँ पर अपनी आरक्षण और SC ST एक्ट की व्यवस्था को समाप्त किए जाने की मांग को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। कहीं न कहीं इसमें केवल वो सांसद दोषी नहीं है जिन्होंने ऐसे कानून को बनाने में मदद की, कहीं न कहीं वो जनता भी दोषी है जिन्होंने ऐसे लोगों को चुन करके संसद, देश की सबसे बड़ी पंचायत में वहाँ भेजने का कार्य किया है। जब शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है तो शरीर बीमार हो जाता है। उसी तरह जब समाज का नैतिक चरित्र और प्रतिकार करने की उसकी शक्ति जब का पतन हो जाता है, क्षरण हो जाता है, तो समाज में अव्यवस्था और दुर्व्यवस्था स्वतः जन्म ले लेती है। हम इस आंदोलन को न केवल सरकार से मांग करने के लिए चला रहे हैं, बल्कि सुप्त पड़ी जो चेतना है हमारे समाज की, जो प्रबुद्ध वर्ग सो रहा है, देश की ऐसी बदहाल व्यवस्था को देखते हुए भी सो रहा है, उसको जागृत करने के लिए हम इस आंदोलन को चला रहे हैं। ये अलग है, एक चिंगारी है, आगे चल कर पूरे देश में फैलेगी और इस व्यवस्था को ध्वस्त करने का कार्य करेगी।
हम महाराज वेदाचारी पार्टी का मैं सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। फिलहाल के लिए बस इतना ही, अगली खबर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए PRST न्यूज। आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट है www.prstnews.in।